Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. My dear students, welcome to Al-Huda School. Dear students, we are dealing to grade 5 and HIFS 5. Our subject is English literature and I am your teacher, Muhammad Asif Musa Mansoor. My dear students, as we were going through unit number 2, the name of unit number 2 is Does He Remember? We have done first lecture of this unit, which is present on page number 15. And now we are going to our second lecture. There we are. Asked. Just as Mike was becoming a little annoyed, an old man came scurrying out of the side door of the house. अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आखिर में जब माइक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो गया, यानी पहले तो वो इंतज़ार कर रहा था कोई आएगा, गेट के पास खड़ा हुआ था, गेट अंदर से बंद था, कुत्तों की आवाज़ें आ रही थी, उसे अंदर जाना था. अब माइक को जो है ना कोई आ नहीं रहा था तो उसे गुस्सा आना शुरू हो गया. तो जैसे उसका गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया तो इतने में उसने देखा कि एक बूढ़ा शख्स वो जल्दी जल्दी करते हुए उस घर के दरवाजे की तरफ, साइड में से उस घर के दरवाजे की तरफ आ रहा था. मीन्स दरवाज़ा खोलने की तरफ का इशारा दिया जा रहा है. ही अपीयर्ड विद हिज अर्जेंट शफल टू बी Hurrying, but he took forever to reach the gate. कहने कि वो बज़ाहिर तो लड़कराते हुए ऐसे आ रहा था कि जल्दी जल्दी दरवाजे की तरफ आए और दरवाजे को खोले, लेकिन क्योंकि वो एज में ज़्यादा थे, बूढ़ा बंदा था, तो वो गेट की तरफ आने में थोड़ा देर कर रहा था, यानी आराम आराम से आ रहा था. On this seemingly long trip, he searched all the while in a pocket after another. कह रहे हैं कि वो जो बूढ़ा शख्स था, वो लड़खड़ाते हुए जो चलता चलता आ रहा था गेट की तरफ जल्दी जल्दी, वो उसी टाइम के अंदर अपने दोनों पॉकेट्स के अंदर जो है ना कुछ चीज़ तलाश कर रहा था. कभी इस पॉकेट में हाथ डाल के चीज़ों को देख रहा था, कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था, कभी दूसरे पॉकेट को देख रहा था. When he finally reached the gate, his smile indicated that he had found what he had been looking for. अब जब वो दरवाजे की तरफ पहुंच गया तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट ने इस बात को वाजह कर दिया कि जो उसे तलाश थी जिस चीज़ की, वो उसे मिल गई है. द की टू द पैडलॉक, और जो चीज़ उसे चाहिए थी वो उस दरवाजे की चाबी थी, उस पैडलॉक की चाबी थी जिसको वो खोल कर दरवाज़ा खोलेगा. द ओल्ड मैन फंबल्ड विद द की With the keys and in due course opened the lock. कहने कि वो बूढ़ा शख्स, उसने टटोलना शुरू किया कि इस पैडलॉक की चाबी कौन सी है, शायद ज़्यादा चाबियों का गुच्छा होगा, उसमें से उसने सेलेक्टेड चाबी को निकाला और उसने फिर दरवाजे को या उस लॉक को खोला. The heavy gate squeaked and screeched as it was swung open with some difficulty. कह रहे हैं कि वो जो शख्स है, उसने दरवाजे को जब खोला तो जिस तरह किसी कपड़े को निचोड़ते हैं या उसको चीखों पुकार और स्क्रीचिंग होती है, ऐसी आवाज़ आ रही थी कि बहुत अरसे पहले इसको खोला गया होगा, ये पता नहीं कब खुला होगा. अच्छा, द ओल्ड मैन स्टूड टू वन साइड टू लेट माइक इन. अब दरवाज़ा जैसे खुला तो उस बूढ़े शख्स ने अपने आप को दरवाजे की एक तरफ कर लिया ताकि माइक जो है वो दरवाजे के अंदर दाखिल हो सके. ही देन यूज्ड सम एफर्ट्स टू हीव द गेट शट अगेन. फिर उस बूढ़े शख्स ने जो है वो थोड़ा सा ज़ोर लगाया. हीव का मतलब होता है किसी चीज़ उछलता, यानी ज़ोर लगाना. हीव करते हुए जो है उसने गेट को बंद करने की कोशिश की. इट वॉज अपेरेंट, ये नज़र आ रहा था, दैट द गेट हैड नॉट बीन ओपनड इन अ लॉन्ग वाइल, कि ये जो दरवाज़ा है वो काफ़ी अरसे से बंद किया हुआ है.
Mike waited for the old man to lock the gate, more fumbling. Then he followed him to the front door. अब कह रहे हैं कि माइक ने उस बूढ़े शख्स को गेट बंद करने तक उसका इंतज़ार किया ताकि वो उसे फॉलो करे, और फॉलो करने के बाद जो अंदर की तरफ जाए, फ्रंट गेट की तरफ जाए। द बेइंग फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द हाउस रीच्ड न्यू हाइट्स। अब बाहर खड़े रह के उसे जो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी वो और ज़्यादा उसने अपनी आवाज़ तेज़ हो गई। अब घर के अंदर दाखिल हो गए ना तो आवाज़ें और तेज़ आना शुरू हो गई। माइक मेड श्योर टू कीप क्लोज टू द ओल्ड मैन डिटरमाइंडली स्टेइंग अ स्टेप बिहाइंड हिम। कह रहे माइक ने इस बात को सोच लिया कि मैं जो है इस बूढ़े शख्स के पीछे ही रहूँगा, और अपने आप को मुसम्मम कर लिया कि मैं जो है इसके साथ पीछे पीछे एक एक कदम पीछे रहूँगा। शायद वो अपने आप की सेफ्टी करना चाह रहा था। ऑन एंटरिंग द हॉल माइक वॉज शॉन इन टू अ लार्ज डार्क लिविंग रूम। जब वो घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसे एक ऐसे कमरे के अंदर लेके जाया गया कि वो बहुत बड़ा था और अंधेरा जो है ना वो कमरा था। द हैवी कर्टन्स ऑन द विंडोज केप्ट आउट द लाइट। वो जो लिविंग रूम था, हालांकि वहाँ पर सुबह का वक्त था, लेकिन उस पर्दों की वजह से वहाँ पर अंधेरा छाया हुआ था। ऑल्दो इट वॉज 3 o'clock इन द आफ्टरनून, दोपहर के 3 बज रहे थे हालांकि, एंड देयर वॉज ब्राइट सनलाइट आउटसाइड, और बाहर सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा था। अ टेबल लैम्प इन वन कॉर्नर इमिटेड अ डल ग्लो दैट पार्शली इल्यूमिनेटेड अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द रूम। कह रहे हैं कि इसके बावजूद वहाँ पर मतलब सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बावजूद उसके जो है वहाँ पर अंधेरा किया हुआ था, और एक कोने पर जो है छोटी सी एक लैम्प जल रही थी, जो लैंप जो है वो थोड़ी सी जो है ना रोशनी वहाँ पर क्रिएट किया हुआ था। माइक कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ समवन सिटिंग ऑन द सोफ़ा नियर द लैंप। और माइक जो है ना बड़ी मुश्किल से उसे ऐसा फील हुआ कि वहाँ एक सोफ़ा लगा हुआ, सोफ़े के ऊपर कोई शख्स बैठा हुआ है जहाँ लैंप का थोड़ा थोड़ा सा उजाला मौजूद है। हेलो डियर माइक केम अ ग्रीटिंग फ्रॉम द शेडोई फॉर्म। अब जैसे ही माइक जो है वो वहाँ पर देख रहा था तो किसी ने उसे कहा हेलो भाई, एक वेलकम नोट के अंदर। इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स, काफ़ी साल हो गए माइक, कैसे हो तुम? ओह नबील, इज दैट यू? आस्क माइक नवेल्स। नबील क्या तुम हो? माइक ने झुंझुलाते हुए कंफ्यूज होते हुए इस बात की तरफ सवाल किया कि माइक ने नर्वस होकर सवाल किया, नबील क्या तुम हो? यस कैम द रिप्लाई, हाँ मैं ही हूँ। द बेइंग कंटिन्यूड, कुत्तों के चीखने की आवाज़ें चल ही रही थी। बट सिंस देयर वॉज नो विजिबल मूवमेंट इन द रूम माइक वॉज होपफुल दैट द हाउस were behind a secure door somewhere। कह रहे हैं क्योंकि उस लिविंग रूम के अंदर उसे कोई मूवमेंट नहीं दिख रही थी कुत्तों की या किसी और चीज़ की कि जिसकी वजह से माइक जो है परेशान हो, तो माइक यही सोच रहा था कि भाई ये जो कुत्ते वगैरह जहाँ से भी आवाज़ें आ रही है वो किसी बंद कमरे के अंदर किसी जगह पर मौजूद है। बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली कन्विंस्ड दैट दिस वॉज ट्रू। लेकिन ये मुकम्मल तौर पर यूँ भी कन्विंस नहीं था, उस मुकम्मल तौर पर मान भी नहीं रहा था कि हाँ ऐसा ही होगा। हो सकता है कि खुले हुए हों, पूरे घर में कहीं घूम रहे हों, हो सकता है किसी जगह पर इनको बंद करके रखा हुआ हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं, एंड द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।